इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एग्जाम। तो दोस्तों तकरीबन 10 या 11 सितंबर को मैंने एक पोस्ट डाला था, उसमें इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एग्जाम जो है उसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। ऐसे वो एक एडवर्टाइजमेंट था और उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थी, एलिजिबिलिटी क्या क्या थी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, ये पूरा डिटेल्स उसमें था। लेकिन तभी भी बहुत सारे जन को वो प्रोसेस पता नहीं है या उनके बहुत अलग अलग डाउट्स हैं, तो इस वजह से मैं इसी टॉपिक पे फिर से एग्जाम एप्लीकेशन रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। एग्जाम एलिजिबिलिटी से पहले आप ये ऑर्गेनाइजेशन समझ लो, क्योंकि बहुत सारे जन को वायरमैन क्या है, सुपरवाइजर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर क्या है, ये अभी तक पता नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन देख लो, सबसे नीचे लेबर जो है वो आएगा आपका वायरमैन, उसके लिए होता है वायरमैन लाइसेंस, बराबर। उसके ऊपर वायरमैन का मैनेजर, मानो सुपरवाइजर लाइसेंस वाला बंदा, वो आएगा आपका सुपरवाइजर, ये आपका देख रेख और मैनेज करेगा पूरे इलेक्ट्रिकल वर्क्स को। उसके ऊपर आएगा कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस वाला फर्म या फिर प्रोप्राइटर, जो भी हो, ये आपका मेन कंपनी के तौर पे काम करेगा, ये होगा आपका ओनर या फिर कंपनी कॉन्ट्रैक्टर। तो ये वायरमैन के लिए अलग वायरमैन लाइसेंस है, इसके लिए अलग आपका एलिजिबिलिटी है, अलग एग्जाम है, अलग एप्लीकेशन प्रोसीजर है। ये सुपरवाइजर का जो है ये मैं अभी आपको बता दूंगा पूरा। ये सुपरवाइजर के लिए अलग एग्जाम होता है, अलग लाइसेंस होता है, अलग कंडीशंस होते हैं। उसके बाद और लास्ट सबसे ऊपर आएगा कॉन्ट्रैक्टर, इसके लिए अलग प्रोसेस होता है, अलग एप्लीकेशन होता है, अलग कंडीशंस होते हैं। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस आपका मेन एम है, तो सबसे पहले आप सुपरवाइजर लाइसेंस निकाल लो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस निकाल लो। अगर आपका सुपरवाइजर मेन एम है और आप एलिजिबल हो, तो डायरेक्टली सुपरवाइजर लाइसेंस निकालो, या फिर वायरमैन लाइसेंस पहले निकालो, उसके बाद सुपरवाइजर निकालो। ऐसे ये बहुत सारे कंडीशंस बनते हैं, तो आप देख लो आपका एम क्या है। तो चलो अब ये सुपरवाइजर एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेंगे एलिजिबिलिटी, माने कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो उसमें पहले आएगा अगर आप 10th पास हो और वायरमैन लाइसेंस आपका बन चुका है और 3 साल का एक्सपीरियंस है कॉन्ट्रैक्टर के अंदर। दूसरा है ITI पास आउट हो प्लस वायरमैन लाइसेंस बन चुका है और 2 साल का एक्सपीरियंस है। और तीसरा है अगर आपका डिप्लोमा या डिग्री हुआ हो मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में से और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर। तो बस यही तीनों लोग एलिजिबल है, बाकी आपका कोई भी हो, BSc, BCom या BA या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आप अप्लाई कभी नहीं होंगे। अभी आगे बढ़ने से पहले आप ये दो डेट्स ध्यान में रख लो या फिर नोट डाउन कर लो कहीं पे। 23rd अक्टूबर ये आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने का, इसके बाद आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। और जो एग्ज़ाम डेट है, जो रिटर्न एग्ज़ाम आएगा आपका, वो है 28 नवंबर, माने अगले महीने तुरंत। और जो ओरल एग्ज़ाम आएगा वो है 29th नवंबर। तो ये आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन है जो कि टोटल 11 है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो या कहीं पे नोट डाउन कर लो। तो ये देखो सबसे पहले आएगा फॉर्म 12M, ये आपका एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन वाला फॉर्म होता है। उसके बाद आएगा फॉर्म सी, ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर्म है। उसके बाद ये फॉर्म ई, मैंने आपको बोला था ना कि आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जैसे भी आपका कंडीशन रहेगा उस हिसाब से ये आपको कॉन्ट्रैक्टर के पास से बनवा लेना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये डोमिसाइल आपका महाराष्ट्र का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी अदर स्टेट को बिलोंग करते हो तो आपका लाइसेंस वहीं पे बनेगा, महाराष्ट्र में नहीं बनेगा। उसके बाद आपका आएगा एड्रेस प्रूफ, जो कि करंट डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। मानो सपोज कि अगर आप अभी आपका जॉब का डिस्ट्रिक्ट है पुणे, तो आपका एड्रेस प्रूफ या रेंट एग्रीमेंट वो भी पुणे का ही होना चाहिए, तभी तो आप जॉब कर पाओगे ना यार पुणे में। सपोज आपका एड्रेस प्रूफ है यवतमाल का और आप जॉब कर रहे हो पुणे में, तो हर रोज कैसे
आ जा पाओगे पुणे में। उसके बाद आएगा आधार कार्ड आपका। आधार कार्ड के बाद ये है 3 लेटेस्ट पिक्स। इसका साइज रहना चाहिए 2x2.5 इंचेस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वाइट बैकग्राउंड में ही चाहिए ये। उसके बाद एक एनवलप लो, उसके ऊपर 3 स्टैंप लगाओ 5 रुपए के, और उस पे आपका एड्रेस लिख के वो अटैच करो फाइल में। इसके बाद आएगा आपका 10th का मार्कशीट माने पासिंग सर्टिफिकेट। इसके बाद आपने अभी जो किया है डिग्री डिप्लोमा या बीई, उसका टोटल मार्कशीट्स प्लस पासिंग सर्टिफिकेट आपको इधर लगाना है। और ये लास्ट में आएगा आपको चालान फी, जो आप ग्रास पे भरोगे वो ओरिजिनल चाहिए यहाँ पे। सुपरवाइजर एग्जामिनेशन के लिए अभी यहाँ पे 500 है। तो बस इतने से ही डॉक्यूमेंट्स है। तो यही डॉक्यूमेंट्स आप फिर से देख लो, चाहे तो समझ में नहीं आया तो। ये टोटल 11 डॉक्यूमेंट है, सही तरीके से भर दो, सही तरीके से फाइलिंग कर दो, तो ये हार्डली 10-15 मिनट का प्रोसेस है। अभी दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम का, जो कि आपका 28th of November को है। मतलब अभी तक तो ऐसे कुछ बोला नहीं है पोस्टपोन्ड उसके बारे में, तो मान के चल लो कि आपका 28 नवंबर को होगा। ये अभी 28 को होगा, वो होगा रिटर्न। इसका पैटर्न कैसा है? इसमें आएगा पेपर 1, पेपर 2। अभी ये दो पेपर्स के लिए आपको ऐसा नहीं है कि मेरिट में आना है, आपको बस मिनिमम पासिंग मार्क्स क्वालिफाई कर जाना है तो आप ये एग्जाम निकाल पाओगे। और इसके लिए आप, मैं तो कहूँगा आईटीआई के बुक्स या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के बुक्स ही रेफर करो, क्योंकि पोर्शन बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं और एकदम जनरल सवाल होते हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। और अगर आप ये पास होते हो तो आपका होगा 29th को ओरल एग्जाम। ये ओरल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर या फिर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स आपका ओरल लेंगे। आपको आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, मानो कि आप, अगर आपने अभी ट्रांसफार्मर का एक्सपीरियंस लिया, तो वो आपको पूरे सवाल आपके ट्रांसफार्मर आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही पूछेंगे। माने जो जेन्युइन लोग हैं वो डेफिनेटली ये पूरा पास कर जाएंगे। एक बचा ये पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस क्या है, ये तो मैंने आपको पिछले टाइम भी बताया था। अगर आपको फिर से ये सिलेबस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो वो आप यूज़ कर लो। मैं आपको ये सिलेबस भेज दूंगा, बुक्स के नाम भेज दूंगा, या फिर प्रेपरेशन कैसे करते हैं वो भी भेज दूंगा। बहुत से जन इतना वीडियो बनाने के बाद भी पूछते हैं कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, तो उनके लिए एक बेसिक फ्लो चार्ट बना देते हो कि अभी आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप करोगे क्या। सबसे पहले तो वो जो 11 डॉक्यूमेंटेशन बनाए थे वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करो। उसके बाद एप्लीकेशन करो ईआई के पास, वो पूरे 11 डॉक्यूमेंटेशन को फाइलिंग करो और ईआई इंस्पेक्टर के पास लेके जाओ, और वहाँ पे अप्रूवल ले लो आपके एप्लीकेशन का। उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिलेगा 27 अक्टूबर को कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो क्या प्रॉब्लम है, उसको तुरंत रेक्टिफाई कर लो। अगर एक्सेप्ट हुआ है तो वेल एंड गुड, आपको आपका सीट नंबर और एक हफ्ते भर में मिल जाएगा। अब ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद आप सीधा एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दो। बेसिक पोर्शन है 28th और 29th नवंबर, ये ओरल और एग्जाम। जिन्होंने सच में एक्सपीरियंस लिया है उनके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये एग्ज़ाम, और जिन्होंने बस यही टाइम पास करने के लिए ये कर रहे हैं तो वो लोग उनका जाने। और अभी इसके बाद ये एग्ज़ाम होने के बाद एंड स्टेप आएगा आपका सुपरवाइजर लाइसेंस। ये आपको लगभग विद इन 8 वीक्स मिल जाएगा। तो ख़त्म, बस इतना सा ही प्रोसेस है इस चीज़ का। अभी इसके बाद अगर आपको कॉन्ट्रैक्टिंग लाइसेंस निकालना है, तो इसके लिए मैं ऐसा ही दूसरा वीडियो भी बना दूंगा, तो आप वो मुझे नीचे बता दो चाहिए कि नहीं आपको। बस आज के लिए इतना ही।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।